दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि VPN जो है वो बैन क्यों नहीं हुआ, होगा भी या फिर नहीं। बहुत सारे लोग खुश हैं कि भाई VPN जो है वो बैन नहीं हुआ, आराम से हम यूज करते रहेंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि वो लोग कब तक यूज कर पाएंगे। भाई VPN तो बैन नहीं है, अभी हम सभी लोग यूज कर पा रहे हैं, लेकिन कब तक? इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट करें, तभी आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी। तभी आप नई नई वीडियोस देख पाएंगे। खैर हम मुद्दे की बात करते हैं कि VPN जो है वो बैन क्यों नहीं हुआ। तो देखिए इसका जो रीजन है, गवर्नमेंट ने डेट को एक्सटेंड कर दिया है, यानी बढ़ा दी है डेट को, एक्सटेंड करके सेप्टेम्बर तक कर दी है, यानी सेप्टेम्बर तक आप VPN को इजिली यूज कर पाएंगे। डेट को एक्सटेंड करने का रीजन ये है कि जो भी हुई VPN कंपनीज हैं, चाहे वो काफी हाई लेवल के हो या फिर लो लेवल के हो, गवर्नमेंट ने निर्देश दिए है कि भाई तुमको 5 साल तक लोगों के लॉग्स रखने पड़ेंगे। जो भी VPN कंपनीज हैं, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी हो, कोई सा भी हो, उनको सरकार की बात माननी पड़ेगी। जो भी बड़ी कंपनीज हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, रेट बढ़ा देंगे। लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं, जो VPN फ्री में प्रोवाइड करते हैं, जो 2-3 लोग मिलकर VPN चला रहे हैं, उनका क्या होगा? उनके पास इतना तो बजट होगा नहीं कि वो 5 साल तक लोगों के लॉग्स रखें, डेटा रखें। तो उस कंडीशन में भी उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि वो अपना बजट बढ़ा ले, चाहे वो किसी से कर्ज ले या फिर कैसे भी करके, उनको गवर्नमेंट की बात माननी ही पड़ेगी किसी भी सिचुएशन में। अगर वो गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो बड़ी VPN कंपनीज हैं, वो लोग क्या दिमाग लगा रहे हैं कि भाई हम अपना सर्वर इंडिया में नहीं रखेंगे, हम सिंगापुर में रखेंगे। तो ऐसे में क्या है कि भाई हमको गवर्नमेंट को लॉग्स नहीं दिखाने पड़ेंगे, जो भी VPN का कॉन्सेप्ट है हम उसी पे काम करेंगे। अगर हम इंडिया में सर्वर रखते तो हमें गवर्नमेंट की बात को माननी पड़ती। बट आपको बता दें कि किसी भी सिचुएशन में जो भी VPN कंपनीज हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उनको बात माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं माने तो VPN को बैन कर दिया जाएगा। देखिए ज्यादा चांसेस है कि गवर्नमेंट जो है उस VPN को भी बैन कर देगी। आप लॉजिकली इस चीज को देखिए, जो बड़ी VPN कंपनीज हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई हम अपना सर्वर इंडिया में ना रख के सिंगापुर में रखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई आप इंडिया में रह के इंडियन यूजर्स को कवर तो कर रहे हैं ना, आपके VPN को इंडियन यूजर्स तो यूज करेंगे ना। भले ही आपका सर्वर सिंगापुर में हो, चाइना में हो, USA में हो, किसी भी कंट्री में हो, बट आपके VPN एप्लीकेशन को इंडिया में तो चलाया जा रहा है ना, इंडियन मार्केट में है ना, तो फिर आप गवर्नमेंट की बात को क्यों नहीं मानेंगे? देखिए गवर्नमेंट चाहेगी तो उस एप्लीकेशन को भी बैन कर देगी, जैसे टिकटॉक को बैन किया गया था, वीगो वीडियो और बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशन थे। टिकटॉक जो है वो सिर्फ इंडिया में बैन है, अदर कंट्री में नहीं है। टिकटॉक आपको प्ले स्टोर में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह जो भी VPN एप्लीकेशन है जो 5 साल तक लोगों के लॉग्स नहीं रखेंगे, उनको प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। बट मे बी पॉसिबल कि जो भी VPN कंपनीज है वो अनाउंस प्लेटफॉर्म पे अपनी VPN ऐप रखे ताकि लोग डाउनलोड करके यूज कर पाए। बट मुझे लगता है कि ऐसा लोग करेंगे ही। कुछ VPN कंपनी, मैं सारी VPN कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट ने ये भी निर्देश दिए है कि अगर डेटा ब्रीच हो जाता है तो आपको 6 घंटे के अंदर, यानी जो भी VPN कंपनीज है उन्हें गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि डेटा ब्रीच हो गया है, और पब्लिक को भी बताना पड़ेगा कि भाई आपका डेटा ब्रीच हो गया है, क्योंकि पब्लिक का राइट बनता है, आखिर डेटा तो पब्लिक का ही है ना। देखिए किसी भी कंपनी का अगर डेटा ब्रीच होता है तो वो कंपनी बताना नहीं चाहती है कि भाई हमारा डेटा ब्रीच हुआ है, हमारी कंपनी का डेटा ब्रीच हुआ है। तो डेटा जो है वो किसका है? पब्लिक का है। ऐसे में क्या है कि रेपुटेशन वाली बात आ जाती है कि भाई उसका सिक्योरिटी सिस्टम, उसका मैनेजमेंट सही नहीं है, इसी वजह से डेटा ब्रीच हुआ है और लोग उस पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे। जैसे डोमिनोज का डेटा ब्रीच हुआ था पूरी दुनिया जानती है, और फेसबुक के बारे में आपको तो पता ही होगा कि आए दिन फेसबुक का जो डेटा है वो ब्रीच होते रहता है, लेकिन फिर भी लोग यूज कर रहे हैं। और बात रही VPN बैन करने की, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि भाई इंडिया में कोई भी इलीगल एक्टिविटीज ना हो, VPN का लोग मिसयूज ना करें। इसी वजह से जितनी भी VPN कंपनीज हैं उन लोगों को बोला गया है कि भाई 5 साल तक लोगों के लॉक्स रखने पड़ेंगे, डेटा रखने पड़ेंगे कि भाई कौन क्या सर्च कर रहा है, क्या देख रहा है, उसका इंटरनेट पे एक्टिविटी कैसा है, वो सारी चीज़ें। खैर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और ऑल पे सेलेक्ट करना हरगिज ना भूलें। खैर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।